ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमारे YouTube व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम MS Word की क्लास 20 हमारी वाइंड अप हो चुकी थी और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 21 के हवाले से आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था क्लास नंबर 20 के एंड में, हमारा वाटरमार्क का जो टॉपिक था ये वाइंड अप हो चुका था और आज स्टार्ट ले रहे हैं क्लास नंबर 21 के अंदर कलर, पेज कलर के हवाले से। ठीक है, आइए पेज कलर क्या है। अगर हमारे पास यहाँ टाइप किया हुआ टेक्स्ट हो या टाइप किया हुआ टेक्स्ट ना भी हो, मतलब कुछ काम ना भी किया हो पेज पर, अगर आप चाहें तो कलरफुल पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जिस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे पेज कलर के ऑप्शन पर जाकर देखें, पूरे पेज के बैकग्राउंड पर यह सेटिंग आएगी। जिस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे सामने वो कलर हमें दिखेगा। इस पॉइंट पर क्लिक करें, मोर कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, कलर कौन सा लाना चाहते हैं जिस कलर को सेलेक्ट कर लें। देखें पहले इसमें ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड का, जिस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे सामने वो कलर हमें दिख रहा है। जो कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ न्यू में आ रहा है, ओके कर देंगे बैकग्राउंड पर आ जाएगा। पेज कलर के ऑप्शन पर आएँ और उसके बाद फिर मोर कलर्स के ऑप्शन पर आएंगे, सेकंड ऑप्शन आ रहा है कस्टम का, ऊपर मूव करेंगे कलर लाइट होगा, नीचे मूव करेंगे कलर डार्क होगा, दरमियान में रखना है। जिस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे सामने कलर आ रहा है, ओके करेंगे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। ख़त्म करने के लिए नो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा कलर। और पेज कलर के ऑप्शन पर आएंगे, फिर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आएंगे, ग्रेडियंट पर क्लिक किया हमने और लिखा हुआ है वन कलर। वन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करें, हम चाहते हैं कलर यहाँ से आए रेड या जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, सामने कलर हमें दिखेगा। डार्क करना चाहते हैं कलर को डार्क कर सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं टू कलर्स के इफेक्ट्स, यहाँ आपको कर्सर दिख रहा होगा एरो, तो यहाँ से लाइट करेंगे लाइट हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। दरमियान में रखेंगे नॉर्मल कलर दिखेंगे, अगर चाहें तो डार्क या लाइट कर सकते हैं। जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे सामने बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। पेज कलर की सेटिंग पर आएंगे, फिर फिलिफर्स के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, वन कलर पर क्लिक करके जिस कलर को हम चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यू नया डिज़ाइन बनाकर ओके करने पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टू कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले कलर पर जाकर जो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कलर ब्लू आए और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कलर यहाँ से येलो आना चाहिए और ये दो टू कलर्स का जो इफेक्ट है वो हमारे पास सामने हमें दिख रहा है। ठीक है, जिस इफेक्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। पेज कलर के ऑप्शन पर गए, फिर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आएंगे, प्रीसेट के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स सेव किए मौजूद हैं। जिस कलर को हम सेलेक्ट करना चाहें वो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जाते हैं फायर के नाम से ये इफेक्ट आए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे चाहे हॉरिजेंटल वर्टिकल और यहाँ से अपर डाउन फ्रॉम कॉर्नर सेंटर जो आप सेलेक्ट करना चाहें आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रेक्टिव टाइप के कलर्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। फिर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और ये था ग्रेडियंट। अब सेकंड ऑप्शन आ रहा है टेक्सचर के नाम से, इस टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करें, हम चाहते हैं यहाँ से ये बैकग्राउंड पर अप्लाई हो। ये जैसे टाइल मार्बल वगैरह की तरह के स्टाइल भी आ रहे हैं, टेक्सचर बहुत से अच्छे अच्छे स्टाइल हैं इसमें। देखें इस स्टाइल पर क्लिक किया, ओके किया, बैकग्राउंड पर अप्लाई हो गया। अब इसे हम चाहते हैं ख़त्म करना है, दूसरा स्टाइल लाना चाहें तो पैटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें, थर्ड टैब आ रहा है यहाँ पर पैटर्न के नाम से, इस स्टाइल को हम अप्लाई करना चाहते हैं पैटर्न में और जाते हैं कलर इसका रेड आए और यहाँ से हम जाते हैं कलर इसका ग्रीन आए, ओके कर देंगे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड पर ये अप्लाई हो जाएगा। और ख़त्म करने के लिए फिर नो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। फिर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आएँ, पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक किया, सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करें, वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर पिक वगैरह हो उस पिक को आप सेलेक्ट कर लें, बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, देखें इंसर्ट पर क्लिक किया, ओके भी क्लिक किया, ये बैकग्राउंड पर पिक आ गई है हमारे पास। अब बात यह है कि जितने भी ऑप्शन हमने इसमें पढ़े, अगर नो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो भी पिक वगैरह होगी वो भी गायब हो जाएगी। अब जितने कलर्स वगैरह हमने पढ़े हैं इसमें, ये सारी सेटिंग पढ़ी है इफेक्ट्स के अंदर ग्रेडियंट की, टेक्स्चर, पैटर्न, पिक्चर और ये कलर वगैरह की सेटिंग, ये तकरीबन 6-7 सेटिंग्स आज हमने सीखी हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये सारी की सारी सेटिंग प्रिंट में नहीं आती। डाउट हो किसी को कंफर्म करना हो कि ये प्रिंट में आएगी नहीं आएगी, अगर आएगी तो किस तरह की ये फाइल प्रिंट में आएगी, प्रिंट के ऑप्शन पर फाइल मेन्यू पर आएंगे, प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आ रही है। जो चीज़ यहाँ पर आएगी वो चीज़ प्रिंट में आएगी, जो चीज़ यहाँ नहीं दिख रही वो प्रिंट में नहीं आएगी। अब बात यह है कि बैकग्राउंड पर तो उसके कलर भी नहीं आ रहे, पेज बिल्कुल वाइट आ रहा है। हम चाहते हैं पेज के ऊपर जो हमने कलर्स वगैरह पिक्चर की जो भी सेटिंग हमने अप्लाई की है वो सेटिंग हमें दिखे, तो उसके लिए फाइल मेन्यू पर आएँ, सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शंस के नाम से, तो फिर इस सेटिंग में आप आएंगे डिस्प्ले की सेटिंग में। डिस्प्ले की सेटिंग में आने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब जाकर चेक करें बकायदा प्रिंट के अंदर हमें ये फाइल में जो कलर वगैरह जो भी पिक वगैरह जो चीज़ हमने अप्लाई की वो सब चीज़ें हमें यहाँ दिखेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आप बैकग्राउंड पर कलरफुल
पिक लगाना चाहते हैं और कलरफुल प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह या कलर वगैरह ग्रेडिएंट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहें, कहाँ से आई थी ये सेटिंग एक बार फिर देख लें आप। फाइल मेन्यू पर आएंगे हम, ऑप्शंस के ऑप्शन पर आए और फिर यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले के ऑप्शन पर, और इसी के अंदर ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रिंटिंग ऑप्शंस में, सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। यहाँ अनचेक था, मतलब चेक लगा हुआ नहीं था, हमने क्लिक किया तो यूँ क्लिक करने पर चेक लग जाएगा इसका और ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो ये सेटिंग इस पर अप्लाई होगी, और इस सेटिंग के अप्लाई होने का फ़ायदा क्या है, बाकायदा हम प्रिंट पर जाकर जब चेक करेंगे तो प्रिंट में देखें बाकायदा हमें ये दिख रहा है। अगर प्रिंटर होगा तो कलरफुल प्रिंट भी आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग थी इसकी, आज की जो हमारी क्लास थी क्लास नंबर 21 का टॉपिक पेज कलर के वाले से हमारा माइंड है वो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास क्लास नंबर 22 में पेज बॉर्डर्स की सेटिंग को हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।